सकते हो हम दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन को यूज करें मजे के लिए? हाँ। अरे तू दबाना, लगता है एंटीना ढीला हो गया। Hey guys, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड के जबरदस्त ऐसे 12 मूवीज जो YouTube पर हिंदी में अवेलेबल है, जिनके लिंक्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसी बात पर वीडियो को पूरा देखना है ताकि कहीं आप अपने फेवरेट मूवी मिस ना कर दो। और आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। तो चलिए आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरी 12th मूवी है 2018 में रिलीज हुई मूवी रेड स्पैरो। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है डोमिनिका से, जो CIA के एजेंट्स को पकड़ने के लिए अपने शरीर का यूज करती है, यानी कि अपनी बॉडी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। तो इस मूवी में आपको ढेर सारे बोल्ड सीन देखने को मिल जाएंगे, बट इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस मूवी को 6.6 के IMDb रेटिंग भी मिली है। तो दोस्तों, मैं 11th मूवी है 2017 में रिलीज हुई मूवी लेजेंड ऑफ द नागापल। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है विंग्रे जाति से, जो इंसानों से हारने के बाद अपने उड़ने की शक्ति खो देते हैं। अब वहीं पर एक शाही वंशज जो अपने पर हुए अत्याचार को बदला लेना चाहता है। तो मूवी में आपको भर भर के एक्शन सीन के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलती है, जिसे 5.5 की IMDb रेटिंग भी मिली है। तो दोस्तों, मैं 10th मूवी 2013 में रिलीज हुई द रॉक की जबरदस्त एक्शन एडवेंचर मूवी GI Joe रिटेलिएशन। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है कोबरा कमांडर से, जिसने मोस्ट ऑफ कंट्री के सारे लीडर्स को अपने कब्जे में कर लिया है और उन्हें रोकने के लिए एक टीम आती है। और फिर तो आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही एक्शन। और यह मूवी MX Play पर फ्री में अवेलेबल है, जिसे 5.8 की IMDb रेटिंग भी मिली है। तो दोस्तों, मैं 9th मूवी 2011 में रिलीज हुई मूवी द मैकेनिक। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो पैसे लेकर किसी को भी मार देता है, पर जब उसके सबसे अच्छे दोस्त हैरिक की हत्या हो जाती है तो वो निकल जाता है बदला लेने के लिए, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा होता और वो कई रातों से सोया भी नहीं है। तो ये मूवी बहुत ही जबरदस्त मिस्ट्री वाली मूवी है, जिसे 6.6 के IMDb रेटिंग भी मिली है। तो दोस्तों, मैं 8th मूवी है 2012 में रिलीज हुई मूवी प्रोमिथियस। ये एक साइफाई हॉरर मूवी है। तो दोस्तों, कभी ना कभी आपने सुना होगा कि पहले मुर्गी आई थी या फिर अंडा। तो दोस्तों, इसमें स्टोरी है कुछ साइंटिस्ट की, जो इंसान कहाँ से आया था उसी पर रिसर्च करते करते एक ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ये सबसे अच्छी साइफाई मूवी है, जिसे 7 की IMDb रेटिंग भी मिली है। तो मैं 7th मूवी है बिग गेम। ये मूवी आई थी 2014 में और ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है US के प्रेसिडेंट से, जिनका प्लेन क्रैश होने के बाद वो जंगल में फंस जाते हैं। और फिर US के प्रेसिडेंट को टेररिस्ट से बचाता है एक 13 साल का लड़का। तो ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे 5.4 की IMDb रेटिंग भी मिली है। तो दोस्तों, मैं 6th मूवी है 2017 में रिलीज हुई मूवी किंग्समैन द गोल्डन सर्कल। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में किंग्समैन के हेड क्वार्टर पर हमला हो जाता है, फिर हमले में बचे हुए एजेंट्स उन टेररिस्ट को ढूंढते हैं, पर मूवी में आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें कुछ पास्ट भी रिवील होता है। ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें जबरदस्त एक्शन सीन भी देखने को मिलते हैं, जिसे 6.7 की IMDb रेटिंग भी मिली है। दोस्तों, मैं 5th मूवी 2011 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी किलर एलीट। तो मूवी शुरू होती है एक कॉन्ट्रैक्ट किलर डेनियल से, जिसके अंकल को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और फिरौती के तौर पर उसे बोल दिया जाता है कि वो कुछ ऑफिसर को मार दे। तो इस मूवी को आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसे 6.4 की IMDb रेटिंग भी मिली है। तो दोस्तों, मेरी 4th मूवी है 2017 में रिलीज हुई मूवी रेटिना। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। तो मूवी शुरू होती है एक मेडिकल स्टूडेंट से, जो अपने सपनों के साथ लड़ रही होती है, यानी कि जो भी उसके सपनों में आता है और जो भी उसकी हकीकत में होता है वो उसमें फर्क नहीं कर पाती। तो मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे 5.6 के IMDb रेटिंग दी है। तो दोस्तों, मैं 3rd मूवी 2016 में रिलीज हुई मूवी द हंट्समैन विंटर्स वॉर। ये एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है रानी फ्रेया से, जिसके पास कुछ जबरदस्त जादुई शक्तियां होती है, बट वो एक ईवल जादूगर होती है। तो उसे कौन रोकता है वो तो आपको मूवी में ही देखना होगा, जिसे 6.1 की IMDb रेटिंग दी है।
तो दोस्तों मैं सेकंड मूवी है इंकहार्ट। ये मूवी आती है 2008 में और ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसी जादुई किताब से जिन्हें कुछ गॉड गिफ्टेड वाले लोग पढ़ते हैं तो उनके कैरेक्टर जिंदा हो जाते हैं। तो मूवी में आपको बहुत ही कमाल का जादू देखने को मिलेगा जिसे 6.1 की IMDb रेटिंग दी है। तो दोस्तों फाइनली हमारी फर्स्ट मूवी है 2016 में रिलीज हुई मूवी एक्समैन एपोकैलिप्स। ये एक एक्शन साइफाई मूवी है। तो एक्समैन सीरीज में सबसे अच्छे VFX इसी मूवी के हैं, जिसमें एक म्यूटेंट जो गॉड बनना चाहता है और पृथ्वी को तबाह करना चाहता है उसे एक्समैन कैसे रोकते हैं वो आपको इस मूवी में देखना है, जिसे 6.9 की IMDb रेटिंग भी दी है। तो बस दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको जबरदस्त लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।